আজ উল্টো রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করলেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গী। রাজ্যের বিশেষ পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গী প্রত্যেকবারই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং রথের দড়িতে টান দেন। আজ বড়বাজার থেকে মহাজাতি সদন পর্যন্ত রথযাত্রা পালন করলো বিজেপি। কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন যে তৃণমূলের এত খারাপ সময় এসেছে, তাদেরকে প্রফেশনাল ব্যক্তিকে দিয়ে দল চালাতে হচ্ছে। গুন্ডাগিরি করে ভয় দেখিয়ে তারা লোককে দলে ফিরিয়ে আনছে, নতুন করে তৃণমূলে কোনো লোক তৈরি হচ্ছে না। আমরা যেভাবে কাজ করছি সেইভাবেই কাজ করব এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা বাংলায় ক্ষমতা দখলের পথে এগিয়ে যাব। कैलाश जी, कचरा पड़ा से जो लोग बीजेपी में, जो काउंसिलर लोग बीजेपी में गए थे, वो लोग फिर से आज विधानसभा में आ गए। कल मुकुल दा भी उनके घर में मीटिंग किए थे, आज फिर से वो लोग तृणमूल गए। ये दल बदला बदली हमेशा जारी है, क्या बोलेंगे अभी तक? अपनी इच्छा से जाना नहीं चाहते और सरकार दबाव बना रही है, असामाजिक तत्व उनके घर में गुंडागिरी कर रहे हैं, इस कारण ये सब हो रहा है। तो लोग दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ आज तृणमूल भवन में हाईकोर्ट ने राय दिया, आज तृणमूल भवन में पीके के साथ सब विधायक के बैठक हो रहा है, आप क्या बोलिए, क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, मोबाइल नंबर ना है, मोबाइल नीचे आ तो कत डाउन आज रह नहीं देगा, इससे बुरी स्थिति और टीएमसी की क्या हो सकती है? ये पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स के भाई है, अरे फेल नहीं सुने भाई, प्रोफेशनल व्यक्ति थे, इससे खराब स्थिति टीएमसी की। ठीक है।